ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस गिवन बाय द मिचेल 1961। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो भी हम लोग रिएक्शन देख रहे थे अभी तक, वो रिएक्शन हो रही थी जो है थायलाकॉइड में। अगर ये हम लोग बाहर की बात करें, ये स्टोमा है, स्टोमा की साइड दो रिएक्शन होती थी, लाइट रिएक्शन होती थी, एक डार्क रिएक्शन होती थी। लाइट रिएक्शन में क्या होता था कि एटीपी का फॉर्मेशन होता था, एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता था, ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही थी। लेकिन अगर हम लोग डार्क रिएक्शन की बात करें तो डार्क रिएक्शन जो है ये सब प्रोडक्ट जितने थे वो यहाँ पे यूज हो रहे थे। ठीक है, और इसमें क्या था, ये बहुत फास्ट प्रोसेस थी, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस थी। ठीक है, ये स्टोमा में होती, तो याद रखना एलजी लाइट रिएक्शन जो होती थी ग्रेना में होती थी, और जो डार्क रिएक्शन थी ये स्टोमा में होती थी, स्टोमा में होती थी। तो यानी ये बाहर का जो पार्ट है बेटा, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये स्टोमा है, ये अंदर का जो है मेम्ब्रेन है थैलाकॉइड की, यहाँ पे क्या है पीएस सेकेंड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था फ्यूफाइटिंग, ये हम लोग आ गए पीएस वन पे। पीएस वन जो मेम्ब्रेन पे इसके सिचुएट होता है, लेकिन एकदम आउटर साइड पे यानी स्टोमा की साइड पे, तो यहाँ पे हमने देखा था एनएडीपी प्लस से फॉर्मेशन हो रहा था एनएडीपीएच प्लस एच प्लस का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अंदर क्या है बेटा कि वाटर टूट रहा है, अगर वाटर टूट रहा है तो 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है एनवायरमेंट में। अब इसके ल्यूमेन में यानी थैलाकॉइड के ल्यूमेन में H प्लस का फॉर्मेशन हो रहा है, बार 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 वाटर टूट रहा है, लाइट आ रही है। अगर ये वाटर टूट रहा है बेटा तो जाहिर सी बात है H प्लस का फॉर्मेशन यहाँ ज़्यादा हो रहा है, H प्लस बढ़ रहा है तो pH घटेगी। ठीक है, तो याद रखना ये बात। तो ल्यूमेन में क्या होता है, यहाँ पे H प्लस का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, यहाँ पे कंसंट्रेशन H प्लस की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्टोमा साइड में। अगर हाई कंसंट्रेशन से जब कोई मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है विद द हेल्प ऑफ अ मेम्ब्रेन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है जो इसको बाहर करती है। इसके दो पार्ट होते हैं बेटा, एक होता है एफ नॉट, एक होता है एफ वन। अब इसमें कैसे याद रखना, ओ से आउटर लग रहा है तो आउटर नहीं इनर होता है, जस्ट रिवर्स करके याद रखना, यानी यहाँ पे होता है एफ नॉट, यहाँ पे क्या होता है एफ वन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी पी क्यू के मॉलिक्यूल हैं, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से सब यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से जब लो कंसंट्रेशन की तरफ कोई मॉलिक्यूल जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो जब यहाँ से हम लोग पास करते हैं 2H प्लस को, तो यहाँ पे ADP से ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यानी 2H प्लस पास कर रहे हैं, एक ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ पे F1 पे। ये भी पूछा जाता है कि F1 पे होता है ATP सिंथेस, यहाँ पे जो है यूज हो रहा है, तो ADP से ATP यानी बन रहा है F1। पूछा जाता है कि F0 प्रोटीन पे होता है या F0 पे, तो बताना F0 पे प्रोटीन ATP का फॉर्मेशन होता है 2H प्लस जब पास होते हैं। इट इज़ अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, नॉट एक्टिव डिफ्यूजन है, क्योंकि हाई से लो की तरफ मूव कर रहा है। अब यही H प्लस जाके NAD से कंबाइंड होता है, रिड्यूस हो जाता है, NADPH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन करता है। यहाँ से H प्लस का अगर फॉर्मेशन बढ़ रहा होता है तो हम लोग, अब बताओ स्टोमा साइड में लो था ना कंसंट्रेशन, अगर स्टोमा साइड में कंसंट्रेशन लो है तो हम लोग क्या करेंगे, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ अगर H प्लस को मूव करा रहे हैं हम लोग बैलेंस करने के लिए जो है, तो इसमें हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। कौन सा ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो PQH2 बना लेता है, H प्लस को अंदर छोड़ देता है। तो यानी ये बात याद रखना, पूछा जाएगा कौन जो है हाइड्रोजन आयन को ट्रांसफर करता है, तो प्लास्टोक्यूनॉन ट्रांसफर करता है, इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर हम लोग बाहर से स्टोमा साइड से ल्यूमेन साइड में H प्लस का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से करेंगे, और जब कभी भी ल्यूमेन साइड से हम लोग स्टोमा साइड में करते हैं तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का यूज करेंगे। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टोमा से अगर हम लोग ल्यूमेन की साइड में डाल रहे हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और ल्यूमेन से हम लोग स्टोमा साइड में डाल रहे हैं तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसी को हम लोग बोलते हैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे ग्रेडियंट, प्रोटॉन पंप की जरूरत होती है, ठीक, मेम्ब्रेन की जरूरत होती है जो हमें दिख रहा है बाकायदा। ठीक है, प्रोटॉन पंप मेम्ब्रेन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हम लोग बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन।
ठीक। अब जो भी एटीपी बन रहे हैं वो स्टोमा साइड में बन रहे हैं, एडीपीएच भी स्टोमा साइड में बन रहा है। अब इसी स्टोमा साइड में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जिसका नाम होता है C3C4 और कैम साइकिल। अब यही C3C4 कैम साइकिल जो होती है स्टोमा साइड में होती है यानी डार्क रिएक्शन में आती है। तो यही जो भी प्रोडक्ट बने थे लाइट रिएक्शन में एटीपी एडीपीएच हो गए, यही यूज होता है C3 साइकिल में, C4 साइकिल में। ठीक है, इस पे मैं अलग से लेक्चर लूंगा C3 साइकिल C4 साइकिल का, फिलहाल इतना ही। आप लोग केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बहुत अच्छे समझिएगा। जब बाहर से हम लोग इलेक्ट्रॉन को अंदर लाते हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ल्यूमेन से जब हम लोग बाहर करते हैं तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसमें हम लोग देखते हैं वाटर टूट रहा है, अंदर कंसंट्रेशन बढ़ रही है, पी एस सेकंड से इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, पी क्यू एच टू पूछा जाएगा पलक की तरह ये लोग काम करते हैं, पी एस वन पे हम लोगों को पता था कि एनएडीपी प्लस एनएडीपीएच बनता है, वही रिएक्शन जो हम लोगों ने पढ़ी थी फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 में, उसको हम लोग ल्यूमेन में दिखा रहे हैं जी। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए। थैंक यू, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए।